दोस्तों, जिस प्रकार से एक समुद्र के अंदर आने वाली विभिन्न प्रकार की नदियां अपना अस्तित्व खो देती है, विलीन हो जाती है, उनका कोई औचित्य, उनका कोई उद्देश्य रह नहीं जाता है, उसी प्रकार से एक योगी व्यक्ति के मन के अंदर उठने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, विभिन्न प्रकार के क्लेश आते तो है, लेकिन वो अपनी उस दिव्य शक्ति से उनको नष्ट कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीमद् भागवत गीता में दूसरे अध्याय का यह 17वां श्लोक आपके जीवन के सभी प्रकार के दुखों का नाश करने में अकेला ही समर्थ है। आप पालन करोगे, आपको लाभ होगा, मैं पालन करूंगा, मुझे लाभ होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इस श्लोक को थोड़ा समझने की कोशिश करिए और अपने जीवन के अंदर पालन करिए, धारण करिए, देखना आपके जीवन के अंदर धीरे धीरे करके शांति आ जाएगी। हम नहीं कह रहे, श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अंदर इस श्लोक के बारे में बता रहे हैं। अपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापे प्रवशंति यदवत तदवत कामायम प्रवशंति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामा न कामी। देखिए, समझिए, आपने नदियों को देखा होगा, टीवी में देखा होगा, अपने आसपास देखा होगा, जिस जगह रहते हो वहां देखा होगा। नदियों को जब हम देखते हैं तो वो बहती रहती है, लेकिन जब वो समुद्र में जाती है, समुद्र में पहुंचती है ना, क्या होता है उनका, वो समुद्र का रूप ही धारण कर लेती है, समुद्र को बड़ा कर देती है, अपना अस्तित्व वो खो देती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये नदी है, समुद्र नहीं है, वो क्या कहेगा, ये समुद्र है। उसी प्रकार से जब योगी व्यक्ति के मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह एक नदी की भांति विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के रूप में उठते हैं तो वो विलीन हो जाते हैं, उनका अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। तो आपको यही कार्य करना है। जब आपके मन के अंदर ये विचार उठने लगे और आपको परेशान करने लगे तो आपको रुक जाना है और इनको बहते हुए देखना है। लेकिन हमारा जो मन है ना, एक बहती हुई नदी की भांति है, और ऐसा कहते कि लगभग 60 से लेकर के 70,000 तक विचार पर डे हमारे मन के अंदर आते हैं और वो क्रॉस हो जाते हैं, यानी कि वो निकल जाते हैं। आपको उनको दृष्टा बन करके देखना है, देखते रहेंगे, आएगा जाएगा। क्रोध आया, 10 सेकंड तक रुको, चला गया। लोभ आया, 10 सेकंड तक रुको, चला गया। यानी कि इनकी जो लाइफ टाइम है ना, वो ज्यादा नहीं होता, वो आते हैं और चले जाते हैं। योगी व्यक्ति करेगा क्या, दृष्टा बन करके इनको देखेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन के अंदर ये आने बंद हो जाएंगे और आप खुद अपने मन के अंदर वो शांति फील करोगे जो आपने आज तक कभी भी नेचुरल शांति फील नहीं की है। और हमारा योग दर्शन तो कह ही रहा है ना कि जो आने वाले दुख है ना, उनका नाश कर देना चाहिए। जो बीत गए, जो भोग लिए, उनका मतलब ही क्या है। अब आने वाले आपके जीवन के अंदर दुख है, उनका नाश करना है। तो ये श्लोक आपके जीवन के संपूर्ण प्रकार के दुखों का नाश कर देगा। इससे जो अगला श्लोक है ना, वो भी यही बात दोहरा रहा है। विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। कि जब एक योगी व्यक्ति अपने मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की कामनाओं को त्याग देता है ना, तो वह तुरंत ही शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि वो आज त्याग दी, कल शांति को प्राप्त करेगा। एक क्षण में, एक सेकंड में, ये समझ लीजिए कि कुछ ही पलों का कार्य होता है, लेकिन उसका मन उस समय इन चीजों को त्याग दे, तब ऐसा घटित होता है। तो इन दो श्लोकों को बताने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था। अगर आप भी अपने जीवन को स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, या दुख में, या क्लेशों में, या कहीं से घिरा हुआ महसूस कर रहे हो ना, तो गीता उठाना और ये श्लोक पढ़ना। अर्थ हमने आपको समझा दिया है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है, समझ नहीं पा रहे हो ना, तो सिर्फ एक कमेंट कर देना, आपकी जो परेशानियां मन में उत्पन्न हो रही है ना, धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो शेयर कर देना उन भाई बहनों को जो अपने जीवन के अंदर कुछ तो अंधकार से दूर जाएंगे। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। ओम शांति ही शांति ही शांति।